हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैनरा बैंक का आप एटीएम कार्ड यानी डेबिट कार्ड को कैसे ब्लॉक कर सकते हैं और फिर चाहे तो दोस्तों आप उसे अनब्लॉक भी कर पाएंगे। देखिए, इसके लिए सबसे पहले मेरे भाई कैनरा बैंक का मोबाइल एप्लीकेशन आपको कैनरा A1 ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। दोस्तों, ये कैनरा बैंक का ऑफिशियल ऐप है और मोबाइल बैंकिंग का ये ऐप है, ठीक है मेरे भाई। यदि आपको मोबाइल बैंकिंग लॉगिन करने नहीं आता है, मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन करने नहीं आता है कैनरा बैंक के अंदर, तो ऑलरेडी इसका एक डेडिकेटेड वीडियो है, आप जाकर के डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। वहां से देख करके आप मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन करना सीख सकते हैं, वो भी बिना एटीएम कार्ड का। केवल आप आधार नंबर डाल करके आधार कार्ड की सहायता से मोबाइल बैंकिंग में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं कैनरा बैंक का, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले आपको मोबाइल बैंकिंग के अंदर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए देखिए कुछ इस प्रकार से इसका इंटरफेस नजर आता है। यहाँ पे जो भी आपका बायोमेट्रिक या पासपोर्ट आपने बना करके रखा होगा वो यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। तो मैं यहाँ पे इंटर कर लेता हूँ। दोस्तों, इंटर करने के बाद देख सकते हो ये कैनरा बैंक का जो एप्लीकेशन है ये ओपन हो रहा है, वेट करने के लिए कहा जा रहा है। तो फाइनली देख सकते हो ये ओपन हो चुका है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे नीचे आते हो ना, तो नीचे आने के क्रम में आप देख सकते हो यहाँ पे एक ऑल का बटन है, फिर आपको बैंकिंग का लोगो देखने को मिलता है और यहाँ पे कार्ड का लोगो देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब आपको कार्ड के लोगो के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब जैसे ही कार्ड के लोगो के ऊपर क्लिक करते हो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो दो ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, व्यू डेबिट कार्ड्स और दूसरा ऑप्शन है व्यू क्रेडिट कार्ड, ठीक है। तो देखिए, व्यू डेबिट कार्ड के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप व्यू डेबिट कार्ड के ऊपर क्लिक करते हो, आपको आपका डेबिट कार्ड देखने को मिल जाता है, ठीक है। देख सकते हो आपको आपका डेबिट कार्ड देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपका सारे डिटेल्स देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, तीन ऑप्शंस देखने को मिल रहा है, एक ब्लॉक अनब्लॉक कार्ड का, एक मैनेज कार्ड यूजेस का और एक पिन जनरेशन का, ठीक है। आपको ब्लॉक अनब्लॉक कार्ड के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे क्लिक करते हो दोस्त, यहाँ पे दो ऑप्शंस देखने को मिलता है, ब्लॉक टेम्पररीली और ब्लॉक परमानेंटली। अगर आप ब्लॉक परमानेंटली करते हो तो हमेशा हमेशा के लिए आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, उसके बाद आप इस एटीएम कार्ड का यूज नहीं कर पाओगे, इसके बाद फिर से आपको नया एटीएम कार्ड मंगाना पड़ेगा। और आप टेम्पररी ब्लॉक करते हो तो ये आपका टेम्पररी रहेगा, आप बाद में चाहो तो इसे अनब्लॉक कर सकते हो, फिर से आप इसका यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ब्लॉक टेम्पररी के ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू ब्लॉक योर कार्ड टेम्पररी, कि आप श्योर हो कि आप अपना कार्ड को टेम्पररी मतलब ब्लॉक करना चाहते हो। आगे देखिए कह रहा है, यू विल हैव टू अनब्लॉक योर कार्ड अगेन इफ यू वांट टू यूज योर कार्ड, कह रहा है कि आप इसे दोबारा अनब्लॉक कर सकते हो जब आप इसका यूज करना चाहो, ठीक है। तो जब भी आप इसका यूज करना चाहो तब इसको आप अनब्लॉक करना कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको सिंपली कंटिन्यू वाला बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू वाला बटन के ऊपर क्लिक करते हो, देख सकते हो आपका कार्ड जो है वो फाइनली यहाँ पे ब्लॉक कर दिया गया है। देख सकते हो डेबिट कार्ड ब्लॉक्ड, यहाँ पे मैसेज भी शो हो चुका है, ठीक है। अब आपका कार्ड जो है वो फाइनली ब्लॉक हो चुका है, ठीक। अब देखिए, आपको इसे अनब्लॉक आप अगर करना चाहो तो कैसे करोगे। अनब्लॉक करने के लिए मेरे भाई फिर से आपको यहाँ पे ब्लॉक अनब्लॉक कार्ड के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। आप देख सकते हो फिर से दो ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, अनब्लॉक टेम्पोररी, ठीक है, अनब्लॉक टेम्पोररी। तो आपको अनब्लॉक टेम्पोररी के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए कह रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू अनब्लॉक योर कार्ड टेम्पोररी, आप श्योर हो कि आप अपना कार्ड को अनब्लॉक करना चाहते हो, तो सिंपली आपको कंटिन्यू वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। देखिए, कंटिन्यू वाले बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको आपसे एम पिन मांगा जाता है। तो जो भी आपने मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन के वक्त एम पिन डाला होगा वो एम पिन यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अपना एम पिन को डाल लेता हूँ। देख सकते हो मैंने एम पिन को यहाँ पे डाल दिया है। डालने के बाद आप देख सकते हो फाइनली हमारा जो कार्ड है वो यहाँ पे अनब्लॉक कर लिया गया है, डेबिट कार्ड अनब्लॉक्ड सक्सेसफुली, मैसेज भी आप देख सकते हो शो हो चुका था, ठीक है। तो इस प्रकार से मेरे भाई आप इजीली अपना डेबिट कार्ड को ब्लॉक भी कर पाओगे, अनब्लॉक भी कर पाओगे, लेकिन इसके लिए आपके पास में कैनरा बैंक का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन नहीं चलाना आता है तो भाई इसका भी डेडिकेटेड वीडियो है, आप चेक कर सकते हो जाकर के यूट्यूब पे, यहाँ पे सर्च कर सकते हो सरकार तक मोबाइल बैंकिंग कैनरा बैंक, ठीक है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।